नमस्कार, आपका बर्थ डिटेल मुझे मिला है। 15 जून 1990 दोपहर के 12:51 पर आपका जन्म हुआ। साथ ही साथ आपने एक लड़की की हॉरोस्कोप भी भेजी है अपनी कुंडली से मैच कराने के लिए। तो पहले मैं आपकी कुंडली के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको कुंडली मिलान करके ये भी बताऊँगा कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस कुंडली की लगन से। ये कुंडली कन्या लगन की और कुंभ राशि की कुंडली है। कन्या लगन जो कि बुध का लगन है और काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसका छठा घर आपके लगन में उदय हो रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति अर्थ त्रिकोणी यानी बात को एक तरीके से बिजनेस के तौर पर सोचने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। मैंने बहुत लोग अपने कार्यकाल में ऐसे देखे हैं जो शुरुआती तौर पर नौकरी की तरफ जाते हैं और बाद में वो अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसी समझ होती है। साथ ही साथ ये सभी तरीके से मेहनत करने में सक्षम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मालिक होकर भी नौकर की तरह लेबर के साथ काम करने वाले अधिकतर देखे गए हैं, यानी पूर्णतः मेहनत करके अपने जीवन में सिर्फ उनको एक चीज़ रहती है कि मुझे सिर्फ टारगेट प्राप्त करना है, वो यहाँ पर देखा गया है। लगन अपने आप में ठीक है, लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल यहाँ से बैठकर लगन को देख रहा है। जब अष्टम और तीसरे घर का मालिक मंगल आपके लगन को देखे तो ये आपके अंदर जोश, हिम्मत और साहस प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी राह को भी कठिन कर देता है, यानी आप जो जीवन में अचीवमेंट करते हैं उसको भी ये कठिन बना देता है क्योंकि मंगल अष्टमेश है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। साथ ही साथ सप्तम भाव का जो कारक है शुक्र, वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है सप्तम में मंगल हो, सप्तम भाव का मालिक जो है बृहस्पति वो यहाँ 10वें घर में बैठा हुआ है, उसको भी मंगल की दृष्टि मिल रही है। वो 12वें घर के मालिक सूर्य के साथ बैठा हुआ है और शुक्र जो कि कारक है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको जीवन में मैरिड लाइफ से संबंधित सुख देरी से प्राप्त होगा और आफ्टर मैरिज भी थोड़ी बहुत समस्या आएंगी, उसके बारे में मैं अभी आगे और डिस्कस आपसे करूँगा। शुक्र जो कि इस कुंडली के अंदर जहाँ विवाह का कारक के तौर पर देखा गया, वहीं ये शुक्र आपका भाग्येश और द्वितीयेश होकर अष्टम भाव में बैठा है। घर परिवार से सहयोग दिलाता है, कुटुंब से सहयोग दिलाता है, कुटुंब से पैसा, जमीन, जायदाद आपको अवश्य मिलेगी, यानी पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। वहीं भाग्येश होकर अष्टम भाव में है, यानी भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, दूर स्थानों पर जाकर काम करना या भाग्य बनाने में स्ट्रगल व्यक्ति को काफ़ी करना पड़ता है। सूर्य और बृहस्पति का योग बन रहा है दशम भाव में, जहां बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति स्वयं के बल पर भी भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन एकत्रित करने में सक्षम रहेगा, घर परिवार से तो उसको मिलेगा ही। साथ में सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब है व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ को घर से दूर जोड़ सकता है। जैसा कि मैंने शुक्र से बताया था कि भाग्य चमकाने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे हम आपके बुध की। लग्नेश दशमेश बुध नवम में बैठ कर बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, यानी जीवन में कभी बुध की दशा आएगी तो वो आपको बहुत अच्छा खासा राजयोग प्रदान करेगी क्योंकि बुध यहाँ व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहा है। ये कर्म के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। शनि राहु का योग शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, ये व्यक्ति से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत गलतियां कराता है। व्यक्ति को इतनी समझ नहीं होती है, उतनी समझदारी नहीं होती है। ख़ास तौर पे ये कॉम्बिनेशन चाहे नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो अपना कोई, उन दोनों ही क्षेत्र में ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम देगा। साथ ही साथ ये पंचम भाव में बैठा हुआ है, बुद्धि के लिए ठीक है, आपको चेष्टा बली बनाता है, आप नए नए विचार अपने रखते हैं, लेकिन यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा, कभी कभी ऐसे लोग एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाते हैं जिसके कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा और इस चीज़ का खासा ख्याल आपको अपनी मैरिड के बाद भी रखना होगा। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर एकादश का मालिक होकर छठे में, यानी चंद्रमा की दशा लाभ प्राप्ति में बहुत संघर्ष करा रही है, एक बात। दूसरा, एक तरफ शनि राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, चंद्रमा यहाँ पाप कर्तरी में भी है, ये मानसिक चिंताएं परेशानी देता है,
बेचैनी देता है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने मन से पूर्णतः डिसीजन नहीं ले पाता है, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर असमंजस की स्थितियां रहती हैं, करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार का एक भय कि कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो वैसा यहाँ चंद्रमा है। चंद्रमा जब इस प्रकार का छठे घर में हो तो व्यक्ति संघर्ष तो करता ही है, कभी कभी ऐसे लोगों की शुरुआती तौर पर जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं देखी गई है। कुंभ राशि है आपकी, कुंभ राशि शनि की साढ़े साथी को भोग रही है और साढ़े साथी का पहला चरण आपको चल रहा है, यानी अभी कह सकता हूँ साढ़े साथी के लगभग लगभग छः साढ़े छः साल आपको अभी और बाकी हैं। ये तो थे ग्रहों की स्थितियाँ। नवांश कुंडली को और देखते हैं। नवांश में लगन का मालिक शनि लगन में बैठा है और ये शनि वर्गोत्तम भी है, यानी यहाँ भी शनि मकर राशि में और यहाँ भी शनि मकर राशि में, उसी शनि की आपको दशा भी चल रही है लंबे समय से। 19 साल की महादशा होती है जो कि सितंबर 2026 में ख़त्म हो जाएगी, यानी शनि के अंदर एक जान है कि वो शिक्षा कराएगा, बुद्धि देगा, कार्य व्यवसाय कराएगा, दूर स्थान से आपको जोड़ने में सक्षम होगा। चलिए, शनि यहाँ बैठे हैं लगन में, सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा को भी दृष्टि दे रहे हैं। वहीं मंगल 12वें घर में बैठकर सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र विवाह का कारक होकर राहु केतु एक्सेस में, यानी आपकी हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ वाइज काफ़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। अब कुंडली मिलान मैंने अभी आपका किया नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ कि जीवन में आपको ऐसी कन्या से विवाह करना होगा जिसकी कुंडली में ऐसे नकारात्मक कॉम्बिनेशन ना हो जैसे आपके में, नहीं तो अभी तो विवाह डिले हो रहा है, बाद में ये विवाह होके डाइवोर्स भी हो जाएगा। इसलिए हमें जो विवाह करना है वो आपसे बेटर लड़की, यानी कुंडली आपसे बेहतर होनी चाहिए उसकी वैवाहिक स्तर पे। गुण मिलान से कुछ नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लो, क्योंकि गुण मिलान सिर्फ चंद्रमा पर आधारित होता है और चंद्रमा एक राशि है और उसमें एक नक्षत्र होता है सिर्फ इस पर, बाकी के 8 ग्रहों का बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, दशाओं का अस्तित्व होता है, लग्न कुंडली नवांश कुंडली का अस्तित्व होता है। जो लोग ये कहते हैं 36 में से 30 गुण मिलेंगे तो विवाह चलेगा, मेरे पास कम से कम 1200-1300 कुंडलियों का ऐसा डाटा है जिन लोगों का आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और डाइवोर्स हुए हैं, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो गुण मिलान वाली हैं। शादी चलनी होगी वो 5 गुणों पे भी चलनी होगी, शादी नहीं चलनी होगी वो 32 पर भी नहीं चलेगी, वो निर्भर करता है कि कुंडली के अंदर योग कैसे हैं, क्योंकि ये कुंडली मिलान है, गुण मिलान नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए, शनि की महादशा आपको चल रही है, शनि में चल रहा है मंगल, शनि पंचम में, मंगल सप्तम में, शनि लगन में मंगल सप्तम को देख रहा है, यानी रिश्ते आएंगे और रिश्ते होने की स्थितियां भी ये दशाएं आपको दिखाएंगी, यानी 2021 तक आपको बड़ा अच्छा समय चल रहा है विवाह के लिए। लेकिन कुछ रेमेडी आपको ऐसी मैं बताऊंगा, अगर वो नहीं करोगे तो ये विवाह से संबंधित उलझने सॉल्व नहीं होंगी। चलिए, थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने एक डिप्लोमा किया है और आप अभी आउट ऑफ इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला सवाल विवाह कब होगा, उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। 2021 तक भी बहुत सुंदर दशाएं आपको चल रही हैं, बस आपको ख्याल रखना होगा कुछ बातों का, कुछ उपायों का, सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। लड़की किस तरह की होगी, देखिए आपकी नवांश कुंडली साफ तौर पर दर्शा रही है जो भी लड़की आएगी शिक्षित आएगी और वर्किंग होगी, शिक्षित भी होगी और नौकरी करने वाली भी होगी, निर्भर करता है कि आप उससे नौकरी कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन आपकी हॉरोस्कोप वाइज साफ दिखाई देता है कि भी ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, ये मैं बिना किसी कुंडली मिलान के आपको बता रहा हूँ। घर में माता पिता के साथ रहेगी या नहीं, देखिए एडजस्टेबल होगी इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ इतना अच्छा एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा कि भाई हम दोनों आपस में तालमेल बहुत अच्छा रखते हैं, इसलिए हमारा आपस में ठीक रहेगा और जैसा आप कहेंगे वो वैसा करेगी भी। लेकिन कोई भी सिचुएशंस होती है उसको टैकल करने में थोड़ा समय लगता है। आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो मेरे साथ रह सकती है या नहीं, बिल्कुल रह सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और साथ साथ अगर आप उसके साथ कोई जॉब कराएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। आपने कहा मेरा परिवार मूल रूप से डैश स्थान पे रह रहा है और हम पिछले 15 वर्षों से अब यहाँ पर रह रहे हैं, क्या मुझे जो लड़की मिलेगी वो
जहाँ रह रहे हैं वहाँ की मिलेगी या जहाँ मेरा जन्म स्थान है। देखिए, जन्म स्थान पर जहाँ पर आप पैदा हुए हैं वहाँ से आप दूर आ गए हैं, यानी हम जहाँ भी कैलकुलेशन लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि जन्म स्थान के पास हो रही है शादी, जन्म स्थान के दूर हो रही है। मेरे हिसाब से आपकी जो शादी है आपकी जन्म स्थली के दूर स्थान से होगी, पास से नहीं हो रही। आपने कहा रिश्ते बहुत आ रहे हैं, सभी जगह से आ रहे हैं, गुण नहीं मिलते, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। शादी में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का भी कॉम्बिनेशन है, डिले होने का भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब मुझे इस चार्ट में दिखाई दिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहते हैं कि मैं जैसी जॉब चाहता हूँ वैसी मुझे कब मिलेगी, यानी इच्छा अनुसार नौकरी कब मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अभी शनि में मंगल मई 2021 तक चल रही है। मंगल इस कुंडली के अंदर अष्टमेश होकर सप्तम में, आपको अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपको अकस्मात मई 2021 तक नौकरी में परेशानी, बाधा या नौकरी जाने के योग चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रख के चलें। शनि में राहु आएगी मई 21 से, राहु की दशा में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के कॉम्बिनेशन या नौकरी चेंज करके अच्छा मिलना आपको शनि राहु में दिखता है मई 21 से मार्च 24 के बीच। आप उसमें और डिग्री करना चाहते हैं, क्योंकि देखो शनि आपका पंचम भाव में बैठा है और 2026 तक बैठा है, आगे शनि में राहु भी आ रही है वो भी पंचम में ही है, तो आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ाइए, आप एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लघु उद्योग खोल सकता हूँ क्या? मैंने शुरू में ही कहा था कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल में जा सकता है, लेकिन आप इस काम को जो करिएगा वो करिएगा 2026 के बाद आप उद्योग खोल सकते हैं। और मैं हमेशा नौकरी ही करूँगा या बिजनेस? 2026 तक नौकरी है, उसके बाद बिजनेस है। मेरी नौकरी भारत में कब लगेगी? मैं भारत में नौकरी या व्यवसाय करना चाहता हूँ क्योंकि शादी भी करनी है, तो इसीलिए देखिए भारत में नौकरी के जो योग हैं, जो शनि में राहु का आपको योग आ रहा है, ये स्थान परिवर्तन का योग भी है, तो मई 21 से मार्च 24 आप निश्चित इंडिया में नौकरी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान आपको स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आपको इंडिया में भी जॉब मिल जाएगी। अभी मई 21 तक तो इंडिया वापसी के कोई चांस नहीं दिखते। पिता के देहांत हो जाने के बाद मैं अब विदेश में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी माताजी भी अकेली हैं, इसलिए सुझाव दीजिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आर्थिक रूप से कब मजबूत हो पाऊँगा? मेरे हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की अपने जीवन में कर रहे हैं, आगे भी आप तरक्की करेंगे, लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आदमी को रहना पड़ता है, आना जाना करना पड़ता है, कहीं पर रह रहे हैं तो रेंट भी देते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसी चीज़ है कि अपने घर पर रहते हैं, वापस रोज़ जाना है आना है, तो आदमी बिजनेस में ज़्यादा अच्छा मजबूती कमा सकता है। 2026 के बाद मैं कहूँगा आप बहुत अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको बचत नहीं हो रही है। मैं अपनी प्रॉपर्टी कब खरीद पाऊँगा? प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करना चाहता हूँ। नहीं, प्रॉपर्टी बिजनेस तो आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। बाकी शनि में बृहस्पति की दशा आएगी आपको मार्च 24 से सितंबर 26 के बीच, तो स्वयं के बल पर आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। मैंने अभी ज्योतिष के अनुसार 3 रत्न धारण किए हुए हैं, पन्ना, नीलम और ओपल। देखिए, जहाँ तक पन्ना, नीलम, ओपल की बात है, इसमें से मैं आपको नीलम पहनने की सलाह नहीं दूंगा। और आपने पहन रखा है पन्ना भी, नीलम भी और ओपल भी, गले में कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए, छोटे बच्चों को पहनाते हैं। ओपल पहने, अच्छा सा 9-10 कैरेट का अच्छा सा डबल फायर ओपल पहने, ये नॉर्मल वाले ओपल से काम आपका चलेगा नहीं, वो भी सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। बाकी शनि की जो अंगरिंग है उसको चाहो तो आप उतार के लेफ्ट हैंड में पहुंचा दीजिए, अपने लेफ्ट हैंड में शनि का नीलम और राइट हैंड में आप ओपल और पन्ना पहनिएगा। अगर आपको चाहिए बढ़िया ओपल क्वालिटी का तो मैं आपको दिखा सकता हूं और आपके स्थान तक भेज भी सकता हूं। चलिए, ये तो रही हॉरोस्कोप की बात, थोड़े से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप रोज़ाना अपना नियम बना लीजिए कि आप सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान कीजिए कि आपको सुबह बजरंग बाण का पाठ सुबह और शाम करना है, आप गूगल से आपको ये मिल जाएगा। अगर जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो हर मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनको प्रसाद चढ़ाना है। और हर शनिवार को यदि पीपल का पेड़ हो आसपास कहीं भी वहाँ, तो वहाँ सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करना है,
मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, वो काम आपको वहाँ पे करना होगा। ये तो आपको करनी है पूजा, जिससे लगातार आपकी जो हर्डल्स हैं वो दूर होती चली जाएंगी। साथ ही साथ साढ़े साती में भी आप आ चुके हो, चंद्रमा भी थोड़ा सा आपका पीड़ित हुआ है, तो भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, माला से या मानसिक तौर पर भी। तो ये तो आपके उपाय हैं। जो आपने स्टोन बताया उसके बारे में भी मैंने आपको जजमेंट दिया कि कब क्या कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं कुंडली मिलान की, कि आपकी हॉरोस्कोप तो मैंने देख ली किस लेवल की है और मैरिड लाइफ वाइज कैसी है। अब बात करते हैं लड़की की हॉरोस्कोप की। ये कन्या लग्न का हॉरोस्कोप है। आप देख और लगभग आपकी और इनकी डिटेल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपकी है 15 जून 90 12 51 और लड़की की है दिसंबर में जाके है ये 19 दिसंबर 90 मध्य रात्रि पश्चात 1:25। दोनों का लगन सेम है, दोनों के ही पंचम भाव में शनि राहु का योग बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं दोनों की ही जो बुद्धि है उस पर शनि और राहु का प्रभाव है, यानी चलती रहे तो चलती रहे और बिखर जाए तो थोड़ा सा मामला कठिन हो जाता है। साथ ही साथ आप मांगलिक हैं, ये लड़की मांगलिक नहीं है। उसके अलावा कुंडली में लगन का मालिक जो बुध है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, साथ में शुक्र भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, ये तो अपने आप में एक अच्छा योग बना हुआ है। बृहस्पति भी लड़की के ठीक हैं। नवांश कुंडली में आते हैं, नवांश कुंडली में सप्तम का मालिक शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और जो शुक्र बुध केतु ये सब बैठे हुए हैं कुंडली के दूसरे घर में, अष्टम भाव में मंगल राहु का योग बना हुआ है और मंगल की दशा है और उससे अगली दशा इनको राहु की है, यानी दशा का सीक्वेंस तो ख़राब है। दशा का सीक्वेंस तो ये कहता है कि भाई ऐसे समय में इस लड़की की शादी अगर आपसे कर दी जाए तो आपकी लंबे समय तक निभने वाली है नहीं। अगर शादी आप कर देते हो तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल के अंदर आपका सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजिशन मैच नहीं कर रही और अगली जो दशा लड़की को आ रही है वो राहू की है। राहु इस कुंडली में नवांश कुंडली में अष्टम भाव में मंगल के साथ है, इसलिए ये प्रॉब्लम टिपिकल है। और आपको जो दशा चल रही है भाई साहब, आपको शनि की माँ दशा चल रही है, अगली दशा आपको बुध की है, तो मेरे हिसाब से इस लड़की से विवाह के लिए तो मैं आपको मना ही करूँगा, क्योंकि लड़की की कुंडली में पति का कारक बृहस्पति भी छठे घर में यहाँ पड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स तो आपके चार्ट में भी हैं तो लड़की के चार्ट में भी लगातार बनी हुई हैं। एक बार आपकी संतुष्टि के लिए मैं यहाँ गुण मिलान करके आपको बताता हूँ कि कितना गुण मिलान आपका बनता है। गुण मिलान बनता है 20। अगर ये 26, 30 या 32 भी बनता तो भी मैं आपको मना करता, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि कुंडली से कुंडली का मिलान करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं लड़की की नवांश कुंडली को देखकर इतना संतुष्ट नहीं हुआ। तो पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपने लिए कोई मंगली लड़की ढूंढिए, और मंगली ना भी मिले तो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्बिनेशंस अच्छे होने चाहिए। जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में हैं वो उसकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। तो मेरे हिसाब को आपको यहाँ पर विवाह नहीं करना चाहिए, आपको किसी अन्य ऑप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये थी आपकी कुंडली का एनालिसिस, उपाय, सवालों के जवाब और कुंडली मिलान। नमस्कार।